नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई कितना भी हाथ पांव जोड़े लेकिन या तीन काम बहकावे में मत करना। किसी के भी लालच में आकर दोस्तों ये गलती भूल कर भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 6:50 के उपरांत आप सभी के जनकाल में होने वाली है बहुत ही विचित्र घटना। दोस्तों, ये घटना आप सभी के जनकाल को पूरी तरह बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह घटना पिछले 23 साल पहले बना था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटनाओं में जो ग्रहों की स्थिति होती है दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आप सभी के जनकाल में जो विचित्र घटना होने वाली है दोस्तों, आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय बहुत ही कम है। आज की इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको वह जानकारी प्राप्त होने वाली है जिनसे आप सभी का आने वाला पूरा भविष्य बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बातें आपको ध्यान में रखना अब बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और ना ही दोस्तों इन्हें अपने जीवनकाल में कभी अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको आज शाम से अपने जीवनकाल में बिल्कुल ही ढाल लेनी है। दोस्तों, इन सभी से आप सभी के जीवनकाल में जो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो आप सभी के जीवनकाल के लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिनसे आपका दैनिक दिनचर्या का वातावरण ही पता चलेगा। दोस्तों, इनसे आने वाला आपका पूरा भविष्य ही बदल जाएगा। जीवनकाल में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और जो भी दुश्मन आपके पीछे लगे हैं, जो भी दैत्य लोग आपके पीछे लगे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं, आपके कार्यों में जो अड़चनें डालते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जो आपको हमेशा आपके रास्तों में मुसीबत खड़े करने के प्रयास करते हैं, दोस्तों उन सभी से आपको अब मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है इनके अनुसार हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन काल में अपना लेंगे, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन काल में आपकी ऐसी एक दुनिया बन जाएगी जिनमें दोस्तों आपको अपने जीवन काल की सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त होगी जिनकी आप कामना करते हैं, जिन्हें पाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिन्हें पाने के लिए आप दिन रात संघर्ष करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अब आपके कदमों में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से एक शब्दों में कहें तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के किस्मत के ताले की चाबी होगी, जिन्हें अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। और दोस्तों, इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस नहीं करना है और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि हमने बहुत सारी वीडियो में यह बात कही है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधे अधूरे देख के छोड़ देते हैं और बाद में फिर कमेंट करते हैं कि गुरु जी यह बात हमें समझ में नहीं आई। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि हर बातों का समाधान इसमें है, हर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, परंतु आपको करना क्या है, अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को देना है और इन्हें ध्यान से देखना है, इन्हें अच्छी तरीके से समझना है। जी हाँ दोस्तों, तभी आप सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुभ देखने से ही नहीं होगा दोस्तों, आपको हर बातों को समझना होगा कि ग्रहों की स्थिति के साथ आपको कौन से परिवर्तन करना चाहिए, कैसे बदलाव आपको अपने जीवन काल में अब करना चाहिए, ताकि दोस्तों जो भी मुसीबत आपके साथ पिछले कई समय से चल रहे हैं दोस्तों, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। और जो भी दुश्मन लोग आपको परेशान करते हैं, आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिनसे आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, दोस्तों एक प्रकार से कहें आपकी जीवन काल की सारी समस्याओं का समाधान आज के इस एक वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, सारी बातें आपको बहुत ही विस्तार तरीके से हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे प्रिय भक्त हैं,
दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपके दिल से की गई एक पुकार, दोस्तों देवकुंड में बैठे सभी ईश्वर के पास चले जाएंगे, तो दोस्तों सच्चे हृदय भाव से ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिएगा, कि दोस्तों इस चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्हें हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, जिन्हें ईश्वर के ऊपर विश्वास है। तो दोस्तों अगर आपको भी ईश्वर के ऊपर विश्वास है तो दोस्तों ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आपके जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपका जीवन पिछले कई समय से बहुत ही गंभीर अवस्था में चल रहा है। पिछले कई समय से आप बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और पिछले कई समय से आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं आपके जीवन काल में जुड़ी, जिन्हें अगर हम कहने लग जाएं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सीधा और सरल शब्दों में कहें तो दोस्तों पिछले कई समय से आप थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इन परेशानियों के पीछे, आपके जीवन काल में इन दुखों के पीछे, इन संकटों के पीछे तीन चीज़ों का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, पहला है कर्म, दूसरा है दैत्य दुश्मन और दोस्तों तीसरा है आपके ईश्वर के प्रति लगाव। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप जाने अनजाने में करते हैं जिनसे ईश्वर से आपका लगाव हट जाता है, जिनसे आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हैं कि हम हमेशा ईश्वर के चरणों में रहें, हम हमेशा ईश्वर को खुश रखें। लेकिन दोस्तों जाने अनजाने में, किसी के लालच में, किसी के जिद में आप ऐसी कार्य कर देते हैं जो कि दोस्तों आपको उनका खामियाजा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। और दोस्तों आप पिछले कई समय से यह देख भी रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको अपने जीवन काल में आज शाम से ही ये नियम क्यों पालन करने हैं और आज शाम से ही आपके जीवन काल में कौन सी ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, सबसे पहले दोस्तों हम उनके विषय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी की कुंडली में तीन बड़े ग्रहों का मिलनसार हो रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी की कुंडली में तीन बड़े योग बनने जा रहे हैं, जिनमें दोस्तों आप सभी के जीवन काल के कर्मों का उदय होने का सबसे महत्वपूर्ण मौका है। जी हाँ दोस्तों वह कहते हैं कि काम तो सब कोई करता है, लेकिन दोस्तों सही काम, सही समय पर जो भी काम को करता है उन्हीं का काम सफल होता है। इसी प्रकार दोस्तों आज शाम से जो तीन ग्रहों का शुभ योग बना है, दोस्तों इनमें अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन धन्य होने से, परिपूर्ण होने से कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से ब्रह्म लक्ष्मी नाम का शुभ योग आप सभी के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों सीधे सीधे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और माता लक्ष्मी का छाया तो आपके जीवन काल में पिछले कई समय से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके ही गलत आचरण की वजह से, आपके ही गलत व्यवहार की वजह से आपको इनका शक्ति का एहसास नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कैसे आपको इनका एहसास होगा, आखिर आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं और आखिर अब आपको कौन से कार्य करने हैं ताकि दोस्तों आपको माँ का ये शक्ति का आभास हो जाए और जीवन काल में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी संकट हैं, चाहे आपके कर्मों से आए हो, चाहे दुश्मन खड़े करे हो, दोस्तों सभी के सभी दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ है, ब्रह्म लक्ष्मी नाम का शुभ योग आप सभी के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं। तो दोस्तों इनसे यह साबित होता है कि माता लक्ष्मी आपके कुंडली में, आपके जीवन काल में प्रसन्न हैं, कर्म आपके अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों पिछले कई समय से आपके बुरे भी कर्म हुए हैं जिनमें आपको बुरा फल भी मिला है, लेकिन दोस्तों कुछ समय से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर हमारे जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है, हम कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं। और दोस्तों इन्हें याद करके आप बहुत सारे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं जिनका फल आपको अब अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों ये बात आपके ग्रहों में अच्छी ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है,
जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव भी आप सभी के जन्मकाल में अब बहुत ही बड़ा बदलाव करने वाले हैं। शनि की तिथि आपके जो राशि है उनसे लाभ भाव में अब आने वाली है, जिनसे दोस्तों शनि के प्रकोप आप सभी के जन्मकाल में समाप्त होने वाले हैं। शनि का शुभ फल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अवश्य आपको अपने जन्मकाल में कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा अवश्य होगा। दोस्तों अगर आप इन बातों का ख्याल अपने जीवन काल में रख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवन काल में जो भी परेशानियां हैं, जो भी अड़चने हैं, जो भी आर्थिक तंगियां हैं दोस्तों, वे सभी दूर होना निश्चित है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में कर्मों का जो फल रहा है उन्हें भारी ही रखना है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन्हें आप भारी कैसे रख सकते हैं? दोस्तों भारी का अर्थ है जब आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं, जब आपको अच्छा फल मिलने वाला है, तो दोस्तों अब आपको भूल कर भी बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाना है और ना ही दोस्तों आपको ऐसे आचरण में जाना है जहाँ से आपके सोच में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न हो जाए। दोस्तों कहने का तात्पर्य है आपके जीवनकाल में जो भी ऐसे क्रियाकलाप हो रहे हैं जिनमें आपको लगता है कि यह कार्य धर्म से जुड़ा नहीं है, इनमें हमारे कर्म खराब हो सकते हैं, इनसे हमारा फ्यूचर आने वाला समय बहुत ही दुष्प्रभाव को लेकर आ सकता है, तो दोस्तों ऐसे में आप उन सभी कार्यों को आज से ही अपने जन्मकाल में त्याग करने का जो है वो प्रण ले ले। दोस्तों यही आपके जन्मकाल के सबसे बड़ा मंत्र होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आपके जन्मकाल में आपको जहर के समान लग रहा है और उस जहर को आप जानकर अपने अंदर रख रहे हैं तो दोस्तों ये आपके जन्मकाल की बड़ी गलती है। तो दोस्तों अपने जन्मकाल में आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब ग्रहों की जो शुभ स्थिति बनने वाली है इनमें दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके शुक्र ग्रह यश में मजबूत होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी की कुंडली में आज शाम से धन वैभव ऐशो आराम मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सुंदरता आपकी बढ़ने वाली है। दोस्तों समाज में आपका आकर्षण बढ़ेगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपके धन से जुड़े जो भी समस्याएं हैं वे सभी समाप्त होने वाली है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम अब बनने वाले हैं। जिस क्षेत्र में आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे दोस्तों उनमें अब आपको लाभ के मौके खुलने वाले हैं। यूं कहें तो दोस्तों जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किए हैं उनमें आपको दुगना लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी थोड़ा ऊँचे की तरफ जाने वाला है, यानी कि दोस्तों ऐशो आराम की ज़िंदगी अब आप जीने वाले हैं। दोस्तों अब आपके चेहरे में एक अलग ही सुंदरता होगी, आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होगी जो कि दोस्तों आपको आकर्षण का केंद्र बना देगा। समाज में आप जहां भी जाएंगे वहां पर सब लोग आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपसे सलाहें मांगेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये सब अगर आपके जन्मकाल में हो तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही किसी को गलत सलाह नहीं देना है। अगर आपको लोग किसी कार्य को लेकर पूछ रहे हैं, किसी कार्य को लेकर आपको सम्मान दे रहे हैं तो दोस्तों उनमें भी आपका यही दायित्व होता है कि आप उन्हें अच्छी सलाह ही दें। दोस्तों इनसे आपके कर्मों का जो फल रहा है वह भारी होगा। इसलिए दोस्तों हमने यह बात पहले भी कहा आपको कि अब आपको बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो शनि की तिथि है आपके राशि से लाभ भाव में होने वाला है, यानी कि दोस्तों अब आपको अति अनुशासित यह बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप हर नियम को पालन करने की शक्ति आपके अंदर आएगी और दोस्तों समय से पहले आपको जिम्मेदारी तो देगा, लेकिन दोस्तों अगर आप कर्म के साथ चलेंगे तो दोस्तों उन जिम्मेदारियों में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों काम में देरी भले ही आपको देगा लेकिन दोस्तों ऐसा काम होगा कि दोस्तों वह इतिहास बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे कामों में आप साहस के साथ आगे बढ़ते रहिएगा कि दोस्तों पिछले कई समय से आपके जन्मकाल में बहुत सारी परेशानियां आई है। दोस्तों बहुत सारे मुसीबत आप सभी के जन्मकाल में आए हैं लेकिन दोस्तों आपने उनमें कभी भी डगमगाए नहीं है। दोस्तों आपने हर परेशानियों का सामना साहस के साथ किया है और दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, यही सब गुण हैं जो कि दोस्तों आपको सभी राशियों से अलग बनाती है, सभी राशियों से बेहतर बनाती है। दोस्तों आपके जन्मकाल में अब संघर्ष खत्म होने वाले हैं। बेहद संघर्ष के बाद अब आपको ऐसा इनाम मिलेगा कि दोस्तों समाज में आप जो है एक अलग ही पहचान बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जो बुद्धि है
उनमें एक अलग ही शक्ति होगी, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि अचानक से आपको ऐसी खुशियों की प्राप्ति हो जाएगी जैसे दोस्तों मानो चमत्कार सी हो गई है। लेकिन दोस्तों ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल होगा और दोस्तों आपके अच्छे ग्रहों की स्थिति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ग्रहों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपायों को भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय आप सभी को अपने जीवनकाल में कभी भी ग्रहों की स्थिति खराब नहीं होने देगा और दोस्तों इनसे आपको ग्रहों का भी शुभ फल हमेशा प्राप्त होते रहेगा। तो दोस्तों आपको कौन से कार्य करना चाहिए ताकि दोस्तों ग्रहों की जो स्थिति है उनमें आपको शुभ फल प्राप्त हो, तो दोस्तों इन बातों को अब आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पैर घसीट कर चलते हैं उनका राहु खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवनकाल में अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप चलते हैं, घर से सुबह उठकर एक भी कदम चलते हैं या फिर कहीं भी आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं, दोस्तों एक प्रकार से कहें अपने जीवनकाल में आप कभी भी कोई शुभ कार्य करने चल रहे हैं तो दोस्तों पैर को घसीट कर नहीं चलना है। दोस्तों इनसे राहु खराब हो जाता है और जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, जो भी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, दोस्तों वो कार्य विफल हो जाता है। तो दोस्तों आपको राहु को बेहतर बनाने के लिए ये बातों का ध्यान अपने जीवनकाल में अब रखना ही होगा। जी दोस्तों, दूसरा जो चीज़ है वह है दोस्तों, आप कहीं भी कपड़े इधर उधर ना फेंकें। दोस्तों बाथरूम में पानी बिखरा कर नहीं रखें। दोस्तों पानी का सीधा तात्पर्य चंद्रमा से है और दोस्तों चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा अगर आप पानी का दुरुपयोग करेंगे तो। दोस्तों पानी को अपने घर में कभी भी बिखरा कर ना रखें। अगर पानी गिर जाए तो दोस्तों उन्हें समेट देना चाहिए, उन्हें साफ कर लेना चाहिए। और दोस्तों अपने बाथरूम में कभी भी आपको कपड़े इधर उधर नहीं फेंकने हैं, बाथरूम में पानी बिखरा कर नहीं रखना है। दोस्तों इससे चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है और दोस्तों चंद्रमा खराब हो जाए तो दोस्तों जीवन काल में बहुत सारी विपदाएं आने लगती है, नसीब का जो द्वार है वह बंद होने लगता है। दोस्तों कपड़े की जैसी रौनक गई तो दोस्तों आपके जीवन काल में ऐसे ही दुख के दिन आने लगते हैं, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको अगला बता दें कि बाहर से आकर अपने चप्पल जूते मोजे इधर उधर फेंकना नहीं है, उन्हें सही जगह पर रखना है। जी दोस्तों, इनसे आपको शत्रु बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कई समय से आप सभी के जीवनकाल में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करवा रहे हैं जिनसे आपके ऊपर उनका बुरा असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप यह बातें भी देख रहे होंगे कि पिछले कई समय से शत्रु आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, कार्यों में आपको सफल होने देना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला जो है, राहु और शनि ठीक अगर फल नहीं देता है, जब आपके बिस्तर फैला हुआ रहेगा, बिस्तर पर जो भी कपड़े हैं वो इधर के उधर रहेंगे, चादर कहीं होंगी, तकिया कहीं होगा, दोस्तों ऐसे बिखरे हुए रहने से दोस्तों राहु और शनि ठीक फल नहीं देती हैं, तो दोस्तों इनका अब ध्यान रखना है। ग्रहों की तिथि को आपको अब संभाल कर चलना है। दोस्तों अगला है, चीख कर बोलने से शनि आपका खराब हो जाता है, यानी कि दोस्तों क्रोध में भी आपका मंगल खराब होता है और चीख कर बोलने से शनि भी खराब होते हैं। दोस्तों आप इन बातों का ज़रूर ही ध्यान रखें, हर बातों को नरम लहजे से बात करें। खासकर दोस्तों जब आप कोई नया काम की बात कर रहे हैं या फिर नए किसी शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों उन बातों में आपको ना ही चीखना है ना ही चिल्लाना है। दोस्तों साथ ही साथ बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपको अब गुरु ग्रह को अच्छा बनाकर रखना है, तो दोस्तों हमेशा अपने घर के बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है, घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका आपको आदर सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। दोस्तों इनसे आपके गुरु तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, कार्यों में सफलता बढ़ेगा, साथ ही दोस्तों इनसे धन की जो आवक है वह भी बढ़ता है, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों बुध और गुरु को एक साथ अगर आपको खुश करना है, एक साथ उन्हें प्रसन्न करना है, तो दोस्तों अपशब्द बोलने से आपको बचना होगा, गालियां देने से आपको बचना होगा, इनसे दोस्तों ये दोनों ही ग्रह एक साथ खराब हो जाते हैं। यदि आप किसी को गाली देते हैं या फिर गाली के शौकीन हैं, तो दोस्तों बुढ़ापे में भी बिस्तर पकड़ने के लिए आप तैयार रहें। दोस्तों बहुत सारी समस्याएँ आपके यह दो शब्द दे सकती हैं, तो दोस्तों अभी से आप ध्यान रखिएगा, इनसे आपके आने वाला जो भविष्य होगा दोस्तों वो बहुत ही बेहतर होगा और आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपका नाम होगा, हर क्षेत्र में आपके संबंध बढ़ेंगे, दोस्तों बहुत सारे
चीज़ आपके कुछ उपाय को करने से बन जाएंगी घरों की स्थिति, तो आपको साथ ही साथ बहुत ही उत्तम रहेगा, घरों का अच्छा फल भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान अब आपको अपने जुनकाल में आज शाम से ही रखना है। दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जुनकाल में जो भी परेशानियाँ चल रही है, जो भी आपके समस्याएं चल रही है दोस्तों, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात बता दें कि अभी आपके जुनकाल में आपकी शुक्र और शनि की स्थिति बहुत ही मजबूत है और दोस्तों इन्हें आपको मजबूत बनाकर ही रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अपने जुनकाल में आपको अब भगवान से दूर नहीं होना है। दोस्तों हमेशा आपको भगवान के समीप रहना है, पूजा पाठ करना है। दोस्तों भक्ति में ज़िंदगी में आपके अंदर आने वाले बहुत सारे नकारात्मक ख्याल दूर हो जाते हैं जिनसे आप गलत कार्य करने की कभी सोचते तक नहीं है। तो दोस्तों अपने जुनकाल में अब आपको भक्ति भाव में जुड़कर ही रहना है। जी दोस्तों पूजा पाठ से पहले आपको कुछ बातों का संकल्प लेना है। जी दोस्तों संकल्प लेने की विधि हम आप सभी को बता दी कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए की गई कोई भी पूजा या फिर अनुष्ठान से शुरू करने से पहले ही संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के लिए गणेश जी की स्थापना कर हाथ में थोड़ा जल या फिर चावल लेकर आपको ये बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम आपको लेना है, अपना गोत्र का नाम लेना है, ना आपकी पूजा पाठ जानता हूँ या फिर जानती हूँ, मैं तो आपके द्वारा दी गई बुद्धि से यथासमय यथाशक्ति जो भी पूजा कर रहे हैं वह नाम बोलें, पूजा पाठ कर रहा हूँ, हे परमपिता परमेश्वर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों यह संकल्प अगर आप पूजा पाठ करने से पहले लेंगे तो दोस्तों आपको आपके शारीरिक कष्ट शारीरिक पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों बिल्कुल ही आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह संपूर्ण वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिएगा, इनसे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो।